विच नंबर एमॉन्ग दीज फोर इज द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे कुल चार नंबर दिए गए हैं और सबसे छोटा कौन है आपको बताना है। जो चार नंबर है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ये 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 एंड 8 to the power 12। तो यहाँ 2 की पावर 40 दिया हुआ है तो इसका बेस 2 है, तो हम इन दोनों का भी बेस 2 बना लेते हैं। तो इसको लिख सकते हो आप 2 to the power 2 whole power 18, ये हो जाएगा 2 to the power 36। सेम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 whole power 12 मीन्स 2 to the power 36, ये 3 power 21 है और ये 2 power 40 है। अब इन तीन को तो आप कंपेयर कर सकते हो, बस ये कंपेयर नहीं होगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको 2 की पावर 40 से कंपेयर करोगे, ये रिजल्ट आपको छोटा मिलेगा। यानी कि अब आपको आगे 2 to the power 36 और 3 to the power 21 को ही केवल कंपेयर करना है और चेक करना है इसमें छोटा कौन होगा। तो इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे लॉग से। तो इन दोनों का अगर हम लॉग लिखेंगे तो इसका लॉग हो जाएगा 36 लॉग 2 और इसका हो जाएगा 21 लॉग 3। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 मल्टीप्लाई 0.3010 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 10.836 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 10.0191। इसलिए ये वैल्यू छोटी है, इसलिए 3 की पावर 21 छोटा होगा। इसका आंसर हो गया 3 के पावर 21। यहाँ पे इसका आंसर बिना सॉल्व किए भी हम लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो दो ऑप्शन है वो 4 to the power 18 और 8 to the power 12 है और ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर 3 की पावर 21 बड़ा होता तो दोनों छोटे होते और एक ही प्रॉब्लम में दो ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकते थे, और ये नंबर पहले ही बड़ा आपने प्रूव कर दिया है, इसलिए बचा केवल ये और इसी का आंसर आपको लिखना था। तो इस तरीके से आप इसको चेक करके लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर मिलते हैं। थैंक यू।